अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चिकन बिहारी रोल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके लिए मैंने एक पाव चिकन ले लिया था क्यूब्स में कटा हुआ बोनलेस। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, पिसी हुई काली मिर्च, नमक जाएगा हसबे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च, आधे नींबू का रस। अब इस सबको मिक्स करके चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम प्याज को पतला पतला काट देंगे। मैंने इस पानी में 2 टेबलस्पून सिरका मिलाकर रखा था। अब हम इसमें प्याज को डालेंगे, उससे प्याज की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और मुंह में कोई स्मेल भी नहीं होती प्याज खाने के बाद। इसको कम से कम 20 मिनट तक इस पानी में रखेंगे। और अब हम अपनी रोल के लिए चटनी बना लेंगे। उसके लिए मैंने एक हरी मिर्च ली थी, उसको काट दिया था। अब इसमें डालेंगे ज़ीरा, साबुत धनिया, इमली का पानी, पुदीना, हरा धनिया, नमक हसबे जायका और एंड में चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, उसे 3 टेबलस्पून। अब हम इन सबको पीस कर चटनी बना लेंगे। चटनी बनाने के बाद इसमें आधे नींबू का रस डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। एक पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन को थोड़ी देर के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे। जब तक इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करें। इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। पानी खुश्क हो चुका है और चिकन भी गल गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। 1 मिनट तक कोयले का धुआं देंगे। और अब हम रोल बनाएंगे। पराठे पे चिकन की बोटियां रखेंगे, चटनी डालेंगे, प्याज के स्लाइस डालेंगे, कटा
कटे हुए खीरे के स्लाइसेस रखेंगे। अब हम इसको पहले साइड से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको रोल करेंगे। तैयार है हमारा चिकन बिहारी रोल और अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।